छोटे शाहजी, जमीन की दीवार मुकम्मल हो गई है, हॉस्पिटल का नक्शा कब तक आ जाएगा? यार, हॉस्पिटल का नक्शा अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह आ जाएगा और 10 दिन तक हम काम शुरू करवा देंगे। ठीक है छोटे। हाँ भाई सजाद, क्या मामलात हैं रकबे के, क्या हिसाब किताब, क्या सिस्टम है? ये शाहजी आप देख रहे हैं, ये छोटे शाहजी ने ये गन्ना काश्त किया हुआ है और ये ज़मीनें सारी हमारी जो पड़ी हैं। बाकी छोटे शाहजी जब से इस्लामाबाद से आए हैं तो उन्होंने आके कुछ रकबा बेचा भी है अपना, आके गरीबों में तकसीम करते हैं, किसी की बेटी की शादी हो और किसी के मिसाल के तौर पर कोई कोल खानी हो या मतलब रफाई काम जो कर रहे हैं वो आवाम में बहुत ज़्यादा, इससे हमारा वोट बैंक ख़राब हो रहा है शाहजी। ठीक है, और सुना है कि आप कुछ ज़मीन उन्होंने बेची है और वो हॉस्पिटल बनवा रहे हैं और इससे हमारे ऊपर बहुत हमारा काम मुतासर हो रहा है। आखिर कब तक ये बाप दादा की ज़मीन बेच के सजाद ये लोगों की मदद करता रहेगा? हाँ भाई सजाद, क्या हिसाब मकई का, क्या हिसाब किताब? ये बड़े साईं, 6 एकड़ मकई जो आपने भिजवाई थी वो आधी बेच दी है, आधी ये पड़ी है, रेट ज़रा नहीं लगा उसका ठीक, बाकी 1 मुरब्बा गंदम काश्त की थी। बाकी छोटे साईं ने जो 2 एकड़ थे वो जो हमारा मसला उनके साथ चल रहा था उन्होंने मेल मिलाप करके वो अपने नाम लगवा लिए और काफ़ी मसाइल खड़े किए खड़े हैं छोटे शाहजी। मैंने आपको फ़ोन पे भी आगाह किया था और अब भी कर रहा हूँ, तो इस मसले का ना जल्द अज जल्द हल निकालें। कौन है ये शाहजी? इसकी भैंसें बढ़ गई हमारे फसलों में और काफी सारा नुकसान कर दिया हमारे खेतों का। हाँ भाई, कौन है तू? बड़े शाहजी, मैं छोटे शाहजी का मुलाजिम हूँ, गम। मैं ना भैंसे चरा रहा था, फसलों के अंदर बढ़ गई, पता नहीं चला मुझे, तो मैं और माफी चाहना तेरे को, ऐसा नहीं होगा ऐसा। बांध दो इसको, इसकी भैंसों को भी और इसको भी, और जब तक छोटा शाह यहाँ पे नहीं आता मेरे पास तो इसको नहीं छोड़ना। बांध दो इसे जाके वहां। बड़े शाहजी माफ कर दो, बड़े शाहजी माफ कर दो। बाहर दो आदमी आए मदद के लिए। यार मैंने जो राशन के बैग्स रखवाए हुए हैं ना, उसमें से 2 बैग उन्हें देता हूँ। ठीक है शादी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बाबा जान? ये दोस्त है मेरे, शहर से आए हुए हैं, तो इनको मैंने रात जाना लेके शिकार पे जाना है, तो आपसे इजाज़त लेनी थी कि शिकार पे चले जाएं हम। बेटा क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं आपकी? बाबा जान क्लासेस अगले हफ्ते से शुरू हो रही हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते से ज्वाइन कर लेंगे। बेटा वो तो बात ठीक है, अभी आप इसको ले जाएं, अपना ज़रा डेरा शेरा घुमाएं, दिखाएं ज़रा रकबा शकबा सारा, इधर ये सारा दिखाएं इसको जाके, उसके बाद इंशाल्लाह मैं जब आपको इजाज़त दूंगा आपने फिर जाना है शिकार। ठीक है बाबा सही, मैं ऐसे कर लेता हूँ, अभी यहाँ पे इनको विजिट करवा लेता हूँ, रात को फिर इंशाल्लाह हम शिकार पे।
मौला का करम। जी थानेदार साहब, कैसे आना हुआ आज हमारे डेरे पर? बड़े शाह जी, मैं आपके पास आया हूँ छोटे शाह साहब का पैगाम लेकर। आपने छोटे शाह साहब की दो भैंसें और एक बंदा पकड़ा हुआ है, उससे कोई गलती कोताही हो गई है, तो इस हवाले से मैं आपके पास आया हूँ, आप उनको आज़ाद कर दें। थानेदार साहब, ये मेरे घर का मसला है, आपको इसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मुझे पकड़ना था या इधर आना था तो आप यहाँ पे अपना डाला लेके आते और पूरी जो है ना टीम लेके यहाँ पे आते। शाह जी, मैं आपको पकड़ने नहीं आया, मैं सिर्फ छोटे शाह साहब का पैगाम लेकर आया हूँ आपके पास कि आपने जो उनकी दो भैंसें और बंदा पकड़ा हुआ है उसको आप आज़ाद कर दें, रिहा कर दें। दरख्वास्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इधर में मेरी बात कान खोल के सुन लें, अगर इस इलाके में रहना है तो हमारे मामलात में पड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है शाह जी, आप नाराज़ ना हो, मैं छोटे शाह साहब से बात कर लेता हूँ, मुझे इजाज़त दें फिर आप। बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ इसे? शाहजी, बड़े शाहजी, सांप ने काट लिया इसको जमीनों से। शाहजी, सजाद गाड़ी निकालो, जल्दी से इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। बड़े साईं, हॉस्पिटल तो बहुत दूर है, 150 किलोमीटर आ गया है। मैं तो कहता हूँ इसको ना छोटे साईं के डेरे पे ले चलते हैं। छोटे साईं के? क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? शाहजी, और कोई हल ही नहीं है इसका। मालिक, छोटे शाहजी बड़े अच्छे आदमी है, मैं तो कहता हूँ उन्हीं के डेरे पे ले चलते हैं और हमारा इंशाल्लाह मामला हल हो जाएगा। उनके साथ दो तीन और भी बंदे हैं। अच्छा, आप उन्हें बैठक में बिठाएं, मैं आके मिल लेता हूँ। ठीक है शाजी, अंदर आ जाए। वापिस नहीं भेजा, अभी आपके भतीजे को सांप ने काट लिया, प्लीज इसे देख लो यार। भजन, आप उस बात को छोड़ें, मैं ऐसी बातें मान नहीं सकता। शाहजी, जख्म तो बहुत गहरा है, आप बैठे तशरीफ रखें, मैं देख लेता हूँ, परेशान ना। यार जल्दी से मेरा फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ अंदर से। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, आप बेफिक्र हो जाएं, बच्चा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कासिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कासिम, मैंने सुना है आप हॉस्पिटल बना रहे हैं इलाके में। जी भैया, इरादा तो है। तो ये तो बहुत अच्छा काम है, आप जितने भी मामलात हैं उसमें आप मेरे से आप आधी डोनेशन ले सकते हैं। ठीक है भाईजान, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। आज अल्लाह का करम हुआ कि आपकी वजह से मेरा बेटा जो है वो बच गया।
भजन, मैं आपका शुक्र गुजार हूँ कि आप चल कर मेरे घर तशरीफ लाए और आपने हॉस्पिटल के लिए कोई इकदाम उठाने का ऐलान किया। भजन, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है पिछली रंजिशें भुला कर और हम दोनों भाई साथ चलें और इलाके की भला व बहबूद के लिए काम करें। जी जी इंशाल्लाह कासिम। ठीक है कासिम, ठीक है भजन, इजाज़त दो आप। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।